अस्सलाम वालेकुम जी, आज बन रहा है लैम स्टेक विद मसाला राइस। और यहाँ पर मैंने मसाला जो है बना दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यखनी बनाई थी उसमें से हम, ये ठंडा हो चुका है गोश्त, अब हम इसको मैरिनेट के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा डबल फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा डिप करके। मसाला जो और रह गया है गोश्त, अबाउट 80-90% गल गया है। हमने इसको अब हमारा कुछ भी नहीं बचता, इसको हम अच्छे से भूनेंगे, टमाटर को पेस्ट बना देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो जितना भी मसाला मैंने यहाँ नीचे लगाया है इसको अच्छे से कोट कर देंगे। ठीक है जी, ये अच्छे से कोट हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी यखनी ऐड कर देते हैं ताकि ये जूसी जूसी बनेगा। ठीक, थोड़ी सी यखनी हम ऐड कर देंगे ताकि ये जूसी जूसी बने। जी, इस मसाले में हम थोड़ी सी यखनी ऐड करते हैं। इस तरह से हमने यखनी ऐड कर देनी है। थोड़ी सी आती है बाकी यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मसाले में। तो यखनी हमने इसके अंदर डाल दी है, इसको हम थोड़ा देर सेट होने देंगे ताकि थोड़ा सा मसाला उसके अंदर चला जाए। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। मिक्स करेंगे, इसको हम थोड़े से ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से मैश हो गई और मसाला बने था हम उसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। तकरीबन 2.5 गिलास पानी जाएगा। तो मेरा ख्याल है यखनी पूरी ही बन रहा है। तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर है, 2 गिलास चावल उसमें मैं डालती हूँ, 2.5, थोड़ा सा हाफ से ऊपर। अब जिस तरह की आपने अभी देखा तो इतना पानी मैं ऐड करती हूँ और माशा चावल बहुत खिला खिला बनता है।
को ही आप लेमन जूस ऐड करने की जरूरत है, वो ऐसे ही बहुत मज़े का बन जाता है। ठीक है, तो रेस्ट ओवर थोड़ी सी यखनी बची थी मैंने वो भी ऐड कर दी है। देखिए जी, चावल मैंने अबाउट घंटा भिगो के रखे थे। ये टिल्डा एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन राइस है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे करके बिल्कुल हल्के हाथ से हमने करना है, हल्के हाथ से इसको हम चावलों को नीचे रखते हैं और बस इसको हम 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हल्की आंच पर नीचे तवा रखेंगे और इसको दम पर लगा देंगे। नमक चेक कर लेते हैं, बेहतरीन नमक है, पूरा पूरा नमक। ठीक है जी, हम ग्रिल पैन के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ठीक है,
हाथ से इसको मिक्स किया है। अभी हम इसको 2-3 मिनट और देंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। अभी ये फुल फ्लेम पर पक रहा है और थोड़ी देर बाद हम इसको ढक के रखा। वहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसके ऊपर हम स्टेक ऐड करेंगे। ठीक है जी, thank you.
मैं दूंगी अपने चावलों को। ठीक है, थोड़ा सा ढक कर ऐड कर दिया। Thank you.
यहाँ पे देखो देखो कितना जबरदस्त लग रहा है स्टेक विद मसाला राइस माशाल्लाह से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम ये खाना एंजॉय करेंगे। प्लेट बनाती हूँ अपने बेटे की, ठीक है जी। ये है मेरे बेटे की प्लेट। चलो जी, दिस इज माय बेटास स्टेक एंड राइस। 1 minute, I will be right up. Oh, chalo. 1 minute. सुबह तो